भिड़े अंकल, आप पापा से मिले? नहीं बेटा। क्या भिड़े अंकल, आप शिक्षक होके ऐसा कर रहे हो? आपने तो हमें सिखा है कोई आपकी मदद करे तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए, और आप बिना मिले जा रहे हो। हाँ। गलत गलत। बराबर मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हाँ, ये मास्टर, अरे जेठिया से मिलके जा भाई, वो कब से जलेबी फाफड़ा लेने गए, अभी आता ही होगा, मिलके जा मिलके जा। नहीं नहीं चाचा जी, अभी बहुत देर हो गई है, अभी पता नहीं वो कब आएगा, अगर उसको मिलने के लिए रुक गया ना तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अगर दही शक्कर आने से पहले जेठा आ जाता है ना तो मैं मिल लूंगा। टप्पू, भिड़े अंकल माधवी आंटी चले जाएंगे। हाँ यार, अब तो कोई चमत्कारी हमें चैलेंज आने से बचा सकता। वो अब्दुल को टेंशन में है। जेठा भाई, सवेरे से सब लोग भिड़े भाई माधवी भाभी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। और अभी भिड़े भाई रत्नागिरी जाने के लिए निकल रहे हैं। तो सोनू नहीं आई अभी तक? नहीं। अरे बाप रे, भिड़े निकल जाएगा, उसके बाद सोनू आएगी, तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे को सरप्राइज नहीं दे पाएंगे। वही तो, अब कुछ नहीं हो सकता। अब्दुल, अभी भी कुछ कर सकते हैं क्या? वाह, अब टपू सेना चैलेंज नहीं हारेगी। अब तो दही शक्कर भी खा लिया तो डेफिनेटली हार गए। आज पहली बार टप्पू सोनू के सामने हारेगा। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। चाचा जी, भगवान करे तुम दोनों को जल्द से जल्द अपनी सोनू बेटी का हंसता हुआ चेहरा देखने मिले। भगवान करे जल्द से जल्द तुम दोनों का सोनू बेटी के साथ मिलन हो जाए। और जल्द आप लोग रत्नागिरी जा रहे हैं तो वहाँ आप लोगों के रिश्तेदार होंगे। अरे होंगे क्या मतलब है ही। हाँ तो सबसे मिलेंगे हम लोग। बस एक छोटा सा काम था, छोटा सा। आप जरा मेरे बारे में वहाँ पर ऐसे बात कीजिएगा कि अगर उनके ध्यान में कोई मतलब ऐसे अरे बोल मतलब सुंदर सुशील सुकन्या हो तो जरा ध्यान में रखिएगा। पिता आंटी, सोनू अभी यहाँ पर आ रही है। मैं फटाफट जाकर अपना वो फोटोग्राफर बायोडाटा लेकर आता हूँ। अरे ये जरूरत नहीं भाई, तू मुझे मेल कर दो, मैं वहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लूंगा। चमत्कार चमत्कार। रिक्शा रिक्शा आंटी हो रही है। खबरदार, किसी ने भी एक भी कदम आगे बढ़ा तो टक्कर मार के चाकू चला दूंगा। कौन है तू? और तू जानते तू किधर है? हमारी गोकुलदास सोसाइटी में मैं तनु दे मैं हूं चाटा माने। बस दादा जी, तू सीधा दूर ही रहना। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं टक्कर मार के चाकू चला देना मैंने। अरे पंजाबी गल कर रहा है? वो केड़ा पिंड भाई? पिंडवाड़ा। अरे पिंडवाड़ा तो राजस्थान में है। 80 राजस्थानी पंजाबी होगा। होगा? हैगा, हैगा, हैगा। देखो मिस्टर चोर, तुम जो कुछ भी कर रहे हैं ना अच्छा नहीं कर रहे। ये नारे लटकाड़ पोड़ने 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 पोड़ा पोड़ा।
क्या बोल रहा है? किस लैंग्वेज में बात कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जो कुछ भी बोला हुआ समझ में नहीं आया। ओ इसलिए डबल फ्राई तुमको खुद से समझने का जरूरत नहीं है। तुम खाली इतना समझो, एक कदम आगे आया तो मैं टक्कर मार के चाकू चला देगा। अरे यहाँ का गुंडे, तो ट्रेन का टाइम हो रहा है, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। अब्दुल भाई को पकड़ के रखा है, कैसे जाएंगे इस तो? अरे लेकिन तुम टक्कर मार के चाकू किधर पर चलाएगा? ओ मेंदू बड़ा ज्यादा होशियारी मारने का जरूरत नहीं है, तुमको टक्कर मार के तुम्हारा सारा सांभर बाहर निकल देगा। क्या बोलते हैं? ओ हेलमेट वो हेलमेट हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप बेचारे अब्दुल को जाने दीजिए, आप ये हिंसा नहीं करते। देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक मेल सेक्रेटरी हूँ, मैं और मेरी पत्नी अभी रत्नागिरी जा रहे हैं, हमारी बेटी वहाँ पे उसको लेने के लिए जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मेरे दोस्त ने दो टिकट निकाल के दिए, मिल नहीं रही थी टिकट बिल्कुल भी, लेकिन उसने निकाल के दी फिर भी। देखिए अगर अगर हमें लेट हो गया तो ट्रेन चली जाएगी, आप प्लीज अब्दुल को छोड़ दीजिए, हम शांति से बात करते ना, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैं आता हूँ। एक पन पाउल पुढे टाकला नाही सपत टक्कर मारून चाकू चलवून टाकणार। मराठी पडीचे असं नका करू हो भाऊ। अरे उसे विनती क्या कर रहा है, वो थोड़ी सुनेगा, वो चोर है, पुलिस को फोन करो। अरे वडील पुलिस जाए बुलाई जी जरूरत ना है, आऊ चोर नहीं है। ये तो कच्ची बोल रहे, लगता है चोर ना सबके बारे में रिसर्च करके आया है। रिसर्च करके आया है समझ में आता है कि सोसाइटी और सोसाइटी के लोगों को जानता होगा, लेकिन जिस भाषा में हम बात करें उसी भाषा में वापस बात करता है, ये कैसे संभव है? और महसूस ये चोर ने अभी कच्ची में बोला कि वो चोर नहीं है। चोर? ओ भाई साहब क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या चाहिए क्या तुम्हें? ओ जी दुल्हा जी। अरे कितने दिन हो गए अनुमा रिक्वेस्ट करे आसी कि तू मेरी ओटी से शादी कर ले। ओटी? बेटी बेटी मेरे चाचा की बेटी। अनु कितने दिन हो गए आसी अनु रिक्वेस्ट करे आसी कि तू शादी कर ले, पर ए जनाब मान ही नहीं रहे। अच्छा इतनी सी बात तो मैं हूँ ना, मैं कर लेता हूँ शादी, उसमें क्या है भाई? बोलो कब और कहाँ करनी है शादी? और मैं क्या कह रहा था? छतरी खबरदार, एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तेरी छतरी के सारे तार खोल दूंगा। नहीं 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 नहीं। अरे ये तो पापा है। अच्छी ये पापा है, मतलब ये चोर पापा है। छोड़ दो मुझे। दादाजी उनकी कलाई पे देखिए घड़ी। फ्रेंड्स ये मेरे पापा है। चेक अंकल क्यों? हाँ ये पापा है। छोड़ दो चिंता जी। जेठिया चोर है। नहीं चाचा जी, जेठा भाई चोर नहीं हो सकते। जेठिया चोर नहीं है, ये चोर जेठिया है। ये जेठा भाई है। कौन बोला? सामने जो चोर है वो जेठा लाल है। ये चोर है ना, जेठा लाल है। आगे अब काम हो जाएगा, नहीं जा सकता भिड़े। अरे खतरनाक काटनी है। अरे छाया ना यार, बहुत खतरनाक लोग देखे हैं मैंने ऐसे। हो गई गड़बड़, बड़ी मुश्किल से काम बना था, इस छोड़ी ने गड़बड़ कर दी। छोड़ी क्या कर रहे, मैं जेठा लालू छठा को नहीं। ये भीड़ को रोकने के लिए नाटक कर रहा हूँ, मन कर शटर बंद कर। अभी जैसे तूने मुझे पकड़ा है वैसे मैं तुझे पकड़ता हूँ। हाँ चोर डरना।
छोटी मैं तेरा हाथ मरोड़ रहा हूँ, जरा दर्द के मारा आउ तो कर यार। हाँ जी डॉक्टर, फर्स्ट टाइम है ना। क्या क्या हो रहा है छोटी? अरे बहुत जोरों के हाथ मरोड़ रहा है चोर। सोड़ी को भी पकड़ लिया, समझ में नहीं आ रहा ऐसे कैसे। अरे आप लोग कुछ कीजिए, आप लोग क्या खड़े के? नहीं 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 भाई, कुछ नहीं कर सकते भाई, उसने सोड़ी को पकड़ा है, बहुत खतरनाक। हेलमेट बाबा प्लीज उसको छोड़ दीजिए ना, उसका हाथ बहुत परोड़ी है, वही हमें स्टेशन छोड़ने वाला है। मेरी ट्रेन है, वो ट्रेन छूट जाएगी नहीं गए टाइम पे तो। ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, बोल बोल के मत्था खा गया मेरा। इसका सामान का है? ओ जनाब, ओ टॉपी वाला जनाब, आपका क्या रिया हूँ? जी जनाब, पहली बार किसी ने मुझे जनाब बोला। जी जनाब, जरा शिक्षक भाव का सामान जेब से निकाल के अच्छे ले आओ। क्यों? जी जनाब। हमारा सामान क्यों? अरे काज चले, आपने सामान का दे दे। अरे खतरनाक आदमी, तो क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? देख लूंगा सामान खोल के अंदर क्या है। ओके, और सामान ले आओ इसे। बोला कहां पकड़ के कपड़े को देख ले। अरे काय जरूरत है? ओ हेलमेट का वो सामान छोड़ दीजिए, वो सामान रात तक लेने जाना है, ट्रेन है मेरी। आपको कितने पैसे चाहिए? मैं पैसे देता हूँ, बोलिए कितने चाहिए। ओ पैसे का रोब किसे दिखा रहा है? पैसे तो मेरे पास भी बहुत है, बोल कितने पैसे चाहिए तुझे? देखो आतामी इससे जा रही थी, किसी ने पीछे किया तो टक्कर मार के चाकू चला दूंगा। कोई पीछा नहीं करेगा, जाओ। अरे कोई नहीं आएगा भाई, जाओ तुम निकलो। सामान क्या मुझे जाने दो। अरे मेरे नहीं जाने दे सकते, कितना खतरनाक चोर था, बोल के गया ना कि वो टक्कर मार के चाकू चला देगा। अरे भिड़े कैसा आदमी है तू, तो हमारे अब्दुल भाई को ऐसे लेके चला गया और तुझे अपने सामान की पड़ी है? सामान जरूरी है, अब्दुल की जान नहीं। बोल गया तुम्हारा सामान? गया अब बगैर सामान के आप लोग कैसे जाएंगे? चोर आपका सारा सामान लेकर गया, सूपे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा ही नहीं पा रहे हैं। माधवी आंटी, इसलिए मैंने बोला था मुझे सपना है मत जाओ, लेकिन ये भिड़े अंकल माने ही नहीं। ओह क्या हो, उसको सपना आया था कि रत्नागिरी में वातावरण खराब है, ये बैग चोरी का सपना नहीं आया था उसे। अरे भाई वो सब छोड़ना भाई, अभी क्या करना है ये सोचो। क्या सोचना, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? क्या तू अभी तक निकला नहीं? तेरे तो 11 बजे की ट्रेन थी ना रत्नागिरी की। जी जेठालाल कैसे जाता, बेचारे भेड़े का सारा सामान चोरी हो गया अभी। सामान चोरी हो गया? हाँ जेठा ब्रा, वो चोर तो बड़ा खतरनाक था, वो चाकू के नाक पर। नाक पे नहीं, नोक पर। नोक पर मैं क्या बोला? नाक बोला भाई। वो जेठा ब्रा, वो चाकू के नोक पर सारा सामान लेके भज गया। अरे अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, सामान भी ले गया और अब्दुल भाई को भी। टप्पू तेरे पापा क्या एक्टिंग कर रहे, ग्रेट है यार। अरे अब्दुल, अब्दुल, अरे अब्दुल, अरे अब्दुल तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, अपने आप को बाल बाल बचा करा रहा हूँ। अरे वाह, आपका शुक्र है। अब्दुल मेरा सामान? चोर ने मुझे पहले धक्का मारा, फिर आगे गाड़ी खड़ी थी उसमें सामान रखा और चला गया। अरे बापरे सामान ले गया, सामान के लो। अरे छोड़ भाई सामान को भाई, जान बची लाखों पाए, सामान का क्या, सामान और आ जाएगा। सर सलामत तो पकड़ी हजार भाई। भीड़े अगर मुसाफरी में जाने से पहले सामान इस तरह चोरी हो जाए तो ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है दोस्त, तू जाना कैंसिल कर दे अभी। आई थिंक हमें तुरंत पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। वाह क्या वाह,
नहीं मतलब इतना टेंशन भरे माहौल में भी बबीता जी का कितना बढ़िया विचार आया है, इसलिए मैंने बोला कि वाह क्या विचार आया ऐसा। चल चल भिड़े पुलिस स्टेशन जाते और कंप्लेंट लिखवा के आते। पुलिस स्टेशन ला, हम लोग रत्नागिरी जाना कैंसिल कर देते हैं, आप पहले पुलिस स्टेशन जाइए। नहीं माधवी, हम रत्नागिरी जाएंगे, सोनू को लेकर आएंगे और इसी वक्त जाएंगे। अरे भाई भिड़े, तेरा सामान चोरी हो गया है, तो पुलिस स्टेशन जाने की जगह तू रेलवे स्टेशन जाने की बात कर रहा है। हाँ जेठालाल, मैं रेलवे स्टेशन ही जाऊंगा, मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है, मैं रत्नागिरी ही जाऊंगा। अरे भाई भिड़े, यहाँ इतना बड़ा कांड हो गया और तू अभी भी रत्नागिरी जाने की बात कर रहा है। भाई बिल्डिंग मास्टर, बिना सामान के तू रत्नागिरी कैसे जाएगा? हाँ। चाचा जी सामान में था क्या? कपड़े ही तो थे, हम लोग नए खरीद लेंगे। ये तो अपना प्लान फिर से फेल हो रहा है। लेकिन आदमरम, चोर को सजा तो दिलवाना पड़ेगा ना। हाँ उसे भगवान सजा देगा। अरे अहो, ऐसे कैसे जाएंगे हम लोग? जाएंगे माधवी, बिल्कुल जाएंगे। चोर सामान लेके गया ना, मेरी हिम्मत थोड़ी ना लेके गया। अब मेरे लिए मेरे सोनू बेटी से बढ़कर कुछ नहीं। मैं सोनू का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। माधवी वो सामान लेके गया, टिकट अभी भी मेरे पास है। थोड़ी गाड़ी स्टार्ट कर, चलो चलो थोड़ी चलो, नक्की नक्की चलो जल्दी। बाबूजी क्या कर सकते हैं जेठे, आप तुमने चोर बनकर इतनी मेहनत की लेकिन कोई फायदा नहीं। देखिए ना टप्पू, हम चैलेंज हार गए यार। हाँ यार, मैं तो भीड़ अंकल और माधवी आंटी को खुश करना चाहता था, सोनू के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहता था, तो शायद इन्होंने कुछ और ही सोचा होगा। बाबूजी ये तो निकल गया अभी। बाबू बेटा बस अभी बहुत हो गया, तू बिल्डिंग मास्टर को फोन करके रोक ले उसे। जी दादाजी। अरे ओ भाई साहब, ओ अरे ऐसा क्या हो? अरे तुम क्यों पीछे आ रहे हो सोड़ी? मैं क्या करूं? अरे ऐसे थोड़ी होता है। अरे ओ भाई साहब, ओ भाई शू। अरे ओ भाई साहब, ओ बस किसकी आ रही है बाबूजी? अरे जीठिया बस किसी की भी आ रही हो, भला हो उसका, उसकी वजह से बिल्डिंग मास्टर वापस आ रहा है। आ, आ, आ। ओ भाई साहब पीछे लीजिए। अरे ट्रेन है हमारी, ट्रेन। और तुम्ही बोला ना कहीं तरी? आता मी काय करू, मी बोलतो आहे ना, मला माहिती का तो कोण आहे ते? ट्रेन जाईल आपली। ओ भाई साहब पीछे लीजिए ना। सारे प्रयत्न बेकार हो गए, बहुत कोशिश कर ली हमने कि भिड़े और माधवी वहां पे रुक जाए, लेकिन नहीं रुके। अंततः सोड़ी की गाड़ी में बैठ के रवाना हो गए, चले गए। क्या और किया आपने? आप लोगों ने वही देखा जो मैंने देखा, भाई सोड़ी की गाड़ी वापस लौट रही है, जिस गाड़ी में भिड़े और माधवी भाभी सवार है वो वापस लौट रही है। और ये बस जो इस गाड़ी को धकेलते हुए आगे बढ़ रही, कौन कौन है इस बस में? सबकी निगाहें वहां अटकी हुई है, सबकी निगाहों में सवाल है, सबके मस्तिष्क में यही प्रश्न उमड़ घुमड़ रहा है कि कौन है इस बस में? कहीं सोनू नहीं? सोनू गोकुल धाम पहुंच गई है, सोनू आ गई है, टपू सेना की दोस्त, हम सबकी लाडी और भिड़े और माधवी भाभी की प्यारी बिटिया सोनू आ गई है गोकुल धाम। अब देखने वाली बात यह है कि कितना हर्ष यहाँ छाता है, कितनी उमंग होती है, कितनी खुशियां होती है, और भिड़े और माधवी भाभी के चेहरे कैसे दमकते हैं। इस सारी खुशी में शरीक होइए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.